इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। भारतीय डाक आपके दरवाजे तक बैंक लेकर आ गई है, भारतीय डाक की IPPB के साथ। नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। अब आपका बैंक खुद चलकर आपके द्वार पर आएगा। देश भर में मौजूद डाकघरों की बड़ी पहुंच के जरिए लोगों को वित्तीय समावेशन का लाभ पहुंचाने के लिए 1 सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB की शुरुआत की जाएगी। PM मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसकी शुरुआत करेंगे। इसी के साथ 1 सितंबर से IPPB की 650 शाखाएं और 3,250 सुविधा केंद्र काम करना शुरू कर देंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक IPPB की स्थापना केंद्र सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को तेजी से पाने के लिए की गई है। इसकी कल्पना आम आदमी के लिए एक सस्ते, भरोसेमंद और आसान पहुंच वाले बैंक के तौर पर की गई है। इस भुगतान बैंक में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। देश के 1,55,000 डाकघरों को 31 दिसंबर 2018 तक IPPB प्रणाली से जोड़ लिया जाएगा। IPPB अपने खाता धारकों को पेमेंट्स बैंक के साथ साथ चालू खाता, मनी ट्रांसफर, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, बिलों के भुगतान जैसी सेवाएं भी मुहैया कराएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ATM और माइक्रो ATM भी देश भर में काम करेंगे। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने IPPB के खर्च को बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी थी, ताकि IPPB क्षेत्र में पहले से मौजूद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को कड़ी टक्कर दे सके।